घर से साफ सफाई करके आ गई हूँ और अभी तो मैं नहाई हूँ, नहा के आ रही हूँ क्योंकि काफी लेट हो गया था। और बताइए, साफ सफाई करने में काफी कितनी धूल गर्दे उड़ते हैं। तो अभी मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ, वहाँ का सारा काम हो गया था, अभी तो इस घर का भी सारा कुछ काम बचे हैं, अभी कुछ काम हो गए हैं साफ सफाई। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने कपड़े भजे हैं, सब कपड़े में तह लगाने हैं, सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े में तह लगाने हैं। तो ऐसे ही हमारा दिन कटने वाला है अभी दिवाली तक, जब तक दिवाली नहीं बीतती है, साफ सफाई हर चीज। तो वीडियो बने रहे, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे रात के बज रहे 11 और अभी यहाँ पे मेरा काम ही चल रहा है, काम ही नहीं खत्म हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कपड़ा फैला हुआ है, मेरी बेटी सो भी गई है। काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मैं पूरी तरह से थक गई हूँ, काफी लेट भी हो गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति सोनी जायसवाल ब्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज धनतेरस, तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं नहा वाली हूँ और घर के सारे काम भी हो गए हैं, क्योंकि अब साफ सफाई सब हो गए, पूरे खत्म हो गए हैं। तो आज धनतेरस पे देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है, क्या हम लेते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और अभी खाना वाना बनाना है, तो चलिए मैं चलती हूँ खाना बनाने, और बने रही वीडियो में। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बालकनी में खड़ी थी, तो दिए वाला जा रहा था, ठेले पे दिए बेच रहा था, तो मैं सोची ले लूँ, तो यहाँ पर मैं दिया लेने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं दिया ले ली, जितना मुझे यूज़ था, पूजे के लिए चाहिए था, मैं दिया ले ली। और पति जो गए थे मार्केट, वो भी ले आए दिया, मुझे पता नहीं था, तो चलो ठीक है, जो भी आया सही है, तो वो भी लेते हैं दिया। और यहाँ पे ये तनिष्का स्कूल से आई थी, तो ये मुझे बोल रही थी, मम्मा कुछ बनाने को बोल रही थी, दिया उसे कुछ दिया बनाना था और हैप्पी दिवाली लिखना था, बोले थे आप मुझे ऐसे करके दिया बना के डॉट डॉट दे दो, मैं बनाऊँगी। तो मैं इसको दिया डॉट डॉट करके देखी दे दी थी, वो बना रही थी और वो मोबाइल से देख के कुछ ऐसे बना रही थी। और ये दिया इसके स्कूल में मिला है अपने हाथों से, ये डेकोरेट की है स्कूल में, तो अभी स्कूल से ये आ गई है। और यहाँ पे हैप्पी दिवाली ऐसा कुछ बना रही है। सो फ्रेंड, तनिष्का को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, इस जब ये फ्री रहती तो ड्राइंग ही करती है ज़्यादा, मुझे लगता है। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, खाना मेरा बन रहा था, दाल चावल वैसे भुजिया रोटी से मैं बना रही थी कुछ ऐसा। और यहाँ पे मैं सारा काम जल्दी जल्दी मैं सोची ख़त्म कर लूँ, और बाकी बहुत सारे काम थे, शॉपिंग भी करने जाना था, यहाँ पर मैं किचन में आ गई और सब चावल धो रही थी। और यहाँ पर मेरा एक दाल और फिर चावल ऐसे करके बनाऊँगी जल्दी से। और यहाँ पर बर्तन पड़े हैं सारे, मैं सोची बर्तन धो लूँ जल्दी से, सारे काम हो जाएगा। तो और टाइम भी, अभी तो ठंडी का मौसम आ ही गया है लगभग, तो समय पता नहीं चल रहा, छोटा दिन हो गया है तो समय का पता ही नहीं चल रहा, समय कैसे कट रहा है, बहुत ही जल्दी समय कट जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता है, जिस तरह से हमारा दिन ऐसे कट जा रहा है आजकल, काम में बिजी है। और दिवाली की साफ सफाई ऐसी की चल रही थी कुछ दिनों से। सो फ्रेंड, यहाँ पे शाम का टाइम है, हमें लग रहा है 7:30-8 बजने वाले थे। और यहाँ पे मैं धनतेरस का पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, धनतेरस का जो भी पूजा करना है, तो यहाँ पे मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, रख रही हूँ, और सारा सामान क्या क्या पूजा में रखना है सब एक थाली में मैं रख रही हूँ, क्योंकि इस बार जो प्रदीप मिश्रा जी जो बताया है उस तरह से हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, धनतेरस की पूजा, छोटी दिवाली की और दिवाली की पूजा, तो इस तरह से जो वो बताते हैं, तो मोबाइल में देख के हम ऐसे सारा सामान रख रही हूँ थाली में,
तो वीडियो में बने रहिए। सो फ्रेंड, हम धनतेरस के दिन कुबेर देवता की मूर्ति या फोटो की पूजा करते हैं। तो ऐसे फ़ोटो रख के आप चंदन लगाते हैं और इस दिन पूजा के समय कुबेर देवता के मंत्रों का भी जाप करें और भगवान कुबेर को पूजा के समय हल्दी, धनिया और कमलगट्टे, दुर्वा जरूर अर्पित करते हैं और पूजा के अंत में कुबेर देवता की आरती करते हैं और हम भोग लगाते हैं। तो इस तरह से हम धनतेरस का पूजा करते हैं। और इस बार धनतेरस पे शायद कुछ दिए, आटे का दिए बनाना था, आठ दिए बनाने थे, उसमें से एक दिए लक्ष्मी जी के पास रखने थे और सात दिए अपने घर में, किचन में और अलमारी के पास, तिजोरी के पास और तुलसी जी के पास ऐसा कुछ रखना था। तो इस तरह से इस बार पूजा करना था धनतेरस का। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है धनतेरस पर्व को, और जो दीपावली पाँच दिन के महोत्सव की शुरुआत करता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम लोग, और धनतेरस के शुभ अवसर पर हम सोना, चांदी और नए बर्तन जरूर खरीदते हैं। और जो घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस पर्व हम मनाते हैं। सो फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं बिल्कुल पूरी तरह से थक गई हूँ आज। मैं आज सो भी नहीं पाई हूँ दिन में, और हमारा पूजा पाठ जो धनतेरस का था वो सब कुछ अच्छे से हो गया और हमारी शॉपिंग भी अच्छे से हो गई सब कुछ। और इसी बीच हमारा एक छोटा सा पार्सल आ गया है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ इस वीडियो में। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा मीशो से पार्सल आ गया था जो मैं किचन के लिए मंगाई हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, क्यूट सा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसका रेट बताऊँ तो बहुत ही सस्ता है, मार्केट में मुझे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा इस रेट में, मुझे सिर्फ ये 200 रुपये में पड़ा है। तो आप भी मंगा सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ यूज में आप ला सकते हैं, किचन में आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटे मोटे। मैं ऑर्डर कुछ दिन पहले की थी, मुझे नहीं पता था ये धनतेरस पे आएगा, आज आ गया, बहुत अच्छा हुआ। सो फ्रेंड, ये हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी, और हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।